राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजा तो सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। विधायकों की जोड़ तोड़, पार्टियों के बीच शय और मात का खेल चलता रहा। अब बारी चुनाव की है। वहीं राजस्थान में भी राज्यसभा की 3 सीटें हैं और 4 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं और ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया। इस दौरान सीएम गहलोत के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी विधानसभा पहुंचकर मतदान किया। और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, पिछले 15 दिन से जो सियासी उठापटक चल रही थी, पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, उसका पटाक्षेप आज हो ही जाएगा। शाम 5 बजे बाद ये मतगणना होगी। फिलहाल कितने लोग वोट कास्ट कर चुके हैं, कितने वोट फिलहाल कास्ट हो चुके हैं? बिल्कुल मनीषा, मतदान की प्रक्रिया अभी जारी है। करीब 70% मतदान विधानसभा में हो चुका है। कांग्रेस बीजेपी तमाम जो दल हैं, उनके या निर्दलीय विधायक हैं, उनकी ओर से 70% से ऊपर अभी मतदान हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया 4 बजे तक चलेगी। देखिए, बड़ा अपडेट यह है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वाजिब अली, वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे और कल ही ऑस्ट्रेलिया से वो स्वदेश लौटे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में क्वारंटाइन की व्यवस्था हालांकि थी, लेकिन उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी, तो ऐसे में उनको क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं थी। आज वो वोट कास्ट करने के लिए, हालांकि कल रात को ही वो कांग्रेस विधायकों के पास रिजॉर्ट पहुंच गए थे। आज विधायकों के साथ ही तमाम जो विधायक हैं वो बसों के द्वारा एक साथ रिजॉर्ट से और विधानसभा पहुंचे, जहां पर वोट के लिए। लेकिन जब बीजेपी की ओर से वाजिब अली के वोट को लेकर ऑब्जेक्शन किया गया, तो ये फैसला हुआ कि वाजिब अली को लास्ट में वोट करवाया जाएगा। तो वाजिब अली, जब सभी के वोट हो जाएंगे, तो उसके बाद वाजिब अली जो कांग्रेस के नगर से विधायक है वो अपना वोट करेंगे। अभी तक 70% मतदान हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे पहले मतदान किया, उसके बाद तमाम जो कांग्रेस के विधायक है, मुख्यमंत्री सचिन पायलट हुए और तमाम जो विधायक है, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अपना वोट कास्ट शुरू करना किया और 70% से अधिक जो कांग्रेस के MLA हैं उनकी ओर से अभी तक मतदान किया जा चुका है। बिल्कुल, देखिए, 3 तरह के वोटिंग एजेंट कांग्रेस की ओर से बनाए गए थे। पार्टी की ओर से महेश जोशी और मुख्य सचेतक एजेंट हैं, तो वहीं पोलिंग एजेंट के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा और ममता भूपेश, इन दोनों को जिम्मेदारी मिली है। गोविंद सिंह डोटासरा नीरज जांगी के पोलिंग एजेंट हैं, तो वहीं ममता भूपेश है वो KC वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के संगठन महासचिव है और राज्यसभा उम्मीदवार है, उनकी वोटिंग एजेंट है। वहीं जो काउंटिंग एजेंट है उसमें रघु शर्मा और प्रताप सिंह दोनों को एजेंट बनाया गया है। तो जब 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी, तो उस समय रघु शर्मा और प्रताप सिंह दोनों मौजूद रहेंगे। बिल्कुल दिनेश, एक और अहम सवाल यहाँ पर, देखिए, बहुत समय से रमेश मीणा नाराज चल रहे थे। जब छठी बस वहां पर पहुंची तो वो उसमें मौजूद नहीं थे, अपने निजी वाहन से उनका आना माना जा रहा था, वो वहां पर फिलहाल पहुंचे हैं या नहीं? देखिए मनीषा, उनकी नाराजगी दूर हो गई थी। बिल्कुल, पिछले 3 दिन से वो रिजॉर्ट में ही थे, ऐसा आज किसी तरह का कोई अब नाराजगी का सवाल प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि पार्टी की ओर से उनसे बातचीत लगातार हो रही थी, पिछले 3 दिन पूर्व वो रिजॉर्ट पहुंच गए थे। आलाकमान को उन्होंने ये अब पहले स्पष्ट कर दिया था कि जो नाराजगी थी वो आलाकमान के समक्ष रख चुके हैं, अब कोई नाराजगी का प्रश्न नहीं बचता है। बिल्कुल, तो आज वो विधानसभा पहुंचे हैं, उन्होंने मतदान किया है और पार्टी के साथ है। दिनेश, किस प्रकार के सेफ्टी प्रिकॉशंस यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं तमाम तरह के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है और सैनिटाइजर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, किस प्रकार के सेफ्टी प्रिकॉशंस?
बिल्कुल मनीषा, ये बड़ी बात है कि कोरोना संक्रमण के चलते जिस तरह से राज्यसभा चुनाव पहले भी स्थगित हुए थे, क्योंकि पहले राज्यसभा चुनाव होने थे तो वो उस समय स्थगित हो गए थे, और आप राज्यसभा चुनाव को देखते हुए जो सेफ्टी प्रिकॉशन जनरल आपने कहा, तो चुनाव आयोग की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है उसके लिए। एक बड़ी बात यह है कि राज्यसभा चुनाव में एक विशेष पेन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिंगल पेन पहले चुनाव आयोग की ओर से भेजा जाता था, लेकिन जो चीफ व्हिप है कांग्रेस के महेश जोशी, उनकी ओर से चुनाव आयोग से पहले भी अपील की गई थी कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी विधायक 200 विधायक है उनको अलग अलग पेन दिए जाए। साथ ही हरियाणा में एक बार ऐसी गड़बड़ी हो गई थी, उस ऐसी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की थी कि सभी 200 विधायकों को अलग अलग पेन दिए जाएं ताकि कोरोना संक्रमण से भी बचा सके और किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका ना रहे। बिल्कुल, तो उनकी अपील को स्वीकार करते, कांग्रेस पार्टी की अपील को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। आज तमाम जो विधायक है 200 वोट आज विधानसभा में है एमएलए के, तो सबके लिए अलग अलग पेन की व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है, सभी को 200 पेन दिए। साथ ही ग्लव्स, जब भी जो भी उम्मीदवार वो जो भी मतदाता वोट के लिए जा रहा है तो उनको ग्लव्स दिए जा रहे हैं, पेन अलग से दिया जा रहा है, पूरी सेफ्टी रखी जा रही है कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए। बिल्कुल दिनेश, क्या सियासी गणित वहां पर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए ये बड़ा सवाल कौन किस पर भारी, हालांकि संख्या बल जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के पास है। मनीषा देखिए, हालांकि 200 विधायक राजस्थान में हैं और 200 के विधान 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में संख्या बल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास संख्या बल है, लेकिन जब से बीजेपी की ओर से दो उम्मीदवार, चौथा उम्मीदवार होता मैदान में उतारा गया अवकाश सिंह लखावत, उसके बाद चुनाव रोचक हो गया था। हालांकि कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई पूरी तरह से उसमें सफल रहेगी। संख्या बल की बात की जाए तो कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं और निर्दलियों को, जो बीटीपी के विधायक हो या माकपा के विधायक हो, सभी ने कांग्रेस का समर्थन किया है और कांग्रेस के समर्थन को मिलाकर कुल 125 विधायकों का बहुमत कांग्रेस के पास है। कांग्रेस को दोनों सीटें जीतने के लिए महज 102 विधायकों का वोट चाहिए, तो ऐसे में उनके पास सरप्लस वोट है। किसी तरह की कोई आशंका कांग्रेस पार्टी को नहीं थी और जहां तक माना जा रहा है पूरी तरह से दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी, एक सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। देखिए दिनेश, आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी समय से जारी था लगातार, तो फिलहाल क्या वहां पर आपको देखने को मिल रहा है, किस प्रकार का रवैया है? देखिए मनीषा, प्रलोभन की खबरों, जब से कांग्रेस पार्टी की ओर से ये खबरें आई कि उनके विधायकों को प्रलोभन दिया गया, बीजेपी की ओर से ये काउंटर किया गया कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है सरकार उनकी है, इस बात का खुलासा किया जाए किन की ओर से प्रलोभन दिया गया और किसको दिया गया, इसका खुलासा किया जाए। ये पिछले 10 दिन से सियासी जो राजस्थान में हालात बने हुए थे, लगातार दोनों पार्टियों की ओर से बयानबाजी जारी थी, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी। आज भी कांग्रेस की ओर से मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं, उन्होंने एसओजी में यह शिकायत की, एसीबी में शिकायत की, तो बीजेपी के जो नेता हैं वो आज भी यही बयान देते हुए नजर आए कि सरकार कांग्रेस की है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने आरोप लगाया उनका खुलासा होना चाहिए और कांग्रेस की ओर से उसका स्पष्टीकरण ये दिया कि अभी तक जांच एसओजी के पास है, एसीबी जांच कर रही है, कांग्रेस नेता किसी तरह से बयान देने से बच रहे हैं क्योंकि जांच प्रभावित होती है। तो देखना ये होगी कि जांच, जब तक एसओजी की ओर से जांच कंप्लीट नहीं होगी और जांच होने के बाद ही कुछ खुलासा हो सके। बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। आपको बता दें 4 बजे तक ये वोटिंग होनी है, उसके बाद मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और लगातार जिस प्रकार से जो उठापटक का दौर चल रहा था आज तो पटाक्षेप होना ही है, ये देखने वाली बात होगी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।